भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में ताकत झोंकी। हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे दो लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे तीन जवानों को रेस्क्यू कर बचाया। हेलीकॉप्टर से इन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। वायनाड में 93 राहत शिविरों में रह रहे हैं 10,000 से ज्यादा लोग। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान पर एक नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम हो रहा है। वायनाड के लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंचे चिराग पासवान। पीड़ित परिजनों का हौसला बढ़ाया। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए, एक शख्स की मौत, 4 लोग अभी भी लापता। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चिड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। मलबा हटाकर चौड़ीवासा हेलीपैड को सुचारू किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9,000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया है। अभी भी 1,000 यात्री के करीब फंसे हुए हैं। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे पूरी तरीके से टूटा। कल 1,865 यात्रियों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। केदारनाथ आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों ने अपनी आपबीती बताई। 3 दिन से बिछड़े हुए परिवार वालों के इंतजार में महिलाएं हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। खराब मौसम में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वायनाड केदारनाथ दोनों जगहों पर रेस्क्यू में लगे हैं, उड़ान भर रहे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत वाले 3 मरीजों को निकाला गया है, 43 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। करीब 600 लोगों को बचाया। MI-17 विमान ने केदारनाथ के 2 चक्कर लगाए। 2 बार में लगभग 45 तीर्थ यात्रियों को धाम से गुप्त काशी लाया गया। 2 बीमार यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा में फंसे घोड़े खच्चर के लिए हेलीकॉप्टर से भेजे गए पशु आहार। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन के बाद कई बेजुबान भी यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता करीब 45 लोगों का पता लगाने में कामयाबी मिली है। मंडी में 5 लोग अभी भी लेकिन लापता हैं, उनके लिए एक बार फिर शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। शिमला के समेज गांव में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता लोगों को ढूंढने का काम अभी भी जारी है। 3 दिन बाद भी नहीं मिली सफलता। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान अभी भी स्निफर डॉग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामबन में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड में 3 नेशनल हाईवे बंद हुए। खराब मौसम में किया जा रहा है राहत बचाव का काम, दिक्कतें बरकरार। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोगों के सामने बड़ा संकट है। विषम परिस्थिति, खराब मौसम की चुनौती के बीच रेस्क्यू में डटे जवानों ने 250 लोगों को बचाया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अभी भी उबर नहीं पाए थे कि आपदा की एक और घटना हो गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है, कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश है। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क के बीचों बीच एक हिस्सा धंस गया। जान जोखिम में डालकर खतरे में सफर कर रहे हैं लोग। झारखंड के रांची में भारी बारिश से हालात बिगड़े। शहर की सड़कें जलमग्न हैं, गलियों में पानी भरा। वाटर लॉगिंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। भारी बारिश से झरने और बांध के ओवरफ्लो होने की भी खबर। झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों के उफान में फंस गया ट्रैक्टर, मजदूर ड्राइवर बाल बाल बचे। बालू खनन के लिए ये ट्रैक्टर नदी में उतारा गया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले हैं। बॉर्डर इलाके के पास सड़क पूरी तरीके से टूटी। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से बारिश के बाद कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में कटान तेज हुआ। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों के घरों में भी पानी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश से नर्मदा तट पर बने मंदिर घाट जलमग्न है। सहायक नदियां भी उफान पर हैं। नदी किनारे निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
उधर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बाबूराम निषाद ने कहा, अखिलेश का एनडीए जांच के लिए बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है, वोट के चक्कर में दोषी को बचाने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने की आरोपी और परिवार वालों के नार्को टेस्ट कराने की मांग, कहा डीएनए जांच में अगर मिले साक्ष्य तो कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी नेता शिवपाल ने किया नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन, कहा कि डिप्टी सीएम केपी मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि संवेदनशील विषयों पर भी घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने एसपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत है, अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, पूछा इनके समय डीएनए जांच होती थी क्या, विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ क्यों खड़ी है, इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या में गैंग रेप का मामला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार, शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज, कहा बीजेपी सत्ता जिहादी राजनीति करती है। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया, ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया, उद्धव को औरंगजेब से जोड़ने वाले शाह के बयान पर भी पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, उन्होंने सच कहा था क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। हरियाणा में आज बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार का आगाज, कुरुक्षेत्र में होने वाली मारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा, इस रैली को बीजेपी के कई नेता दिग्गज होकर शुरू करेंगे। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर के मंथन होना है, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी, वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी की, उन्हें धमकी देने का आरोप है, टीएमसी मंत्री ने किनारा किया। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज, 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से धमकी वाला ईमेल आया था। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, कई नक्सलियों के घायल होने का दावा, मौके पर जवानों ने दो पाइप बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश नाकाम रही, नक्सली शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नक्सलियों ने 5 किलो के दो दो पाइप बम को प्लांट किया था। दिल्ली हाई हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच, मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई की खबर है, बेसमेंट में बने 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। जयपुर में बड़े भाई के रिटायरमेंट प्रोग्राम में सत्संग का आयोजन, डांस करते हुए छोटे भाई की अचानक मौत हो गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा, रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार की टक्कर हो गई, बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी, हादसे में 6 यात्रियों की मौत, कई घायल। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, ट्रक रुकवाने के लिए पथराव भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री ढहने से 4 छात्रों की मौत, 4 बच्चे घायल, 1 महिला घायल, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, भारी बारिश के चलते हुआ हादसा। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की रडार पर 94 गैर पंजीकृत मदरसे, बच्चों को शिफ्ट करने के बाद सभी मदरसों पर कार्रवाई होगी, अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप है। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए टीम पर हमला हो गया, खनन इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल हैं, सीएम को मिली शिकायत पर जांच के लिए ये टीम गई थी।